हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अपने चैनल माय रियल लाइफ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं अपना न्यू वीडियो किचन से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं किचन में आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो सारा काम वगैरह हो गया है और मैं आज जल्दी नहा ली हूँ क्योंकि आजकल बच्चों लोग का छुट्टी चल रहा है, एग्जाम चल रहा है, तो बीच बीच में गैप रह रहा है तो छुट्टी चल रहा है बच्चों का। तो इसलिए मैं सुबह सुबह जल्दी नहा करके आ गई हूँ और टिफिन लंच बनाने का कोई झंझट नहीं रह रहा है। तो इसीलिए मैं झाड़ू पोछा करने के बाद मैं नहा करके सीधे किचन में आ जा रही हूँ। तो आज मुझे बनाना है सैंडविच, ब्रेड सैंडविच बनाना है। तो नहाने जाने के पहले ना मैं आलू को चढ़ा दी थी बॉयल होने के लिए। तो अब आलू भी बॉयल हो गया है तो आलू छीलने के लिए मैं अपनी बेटी को लगा दी हूँ क्योंकि छोटे छोटे आलू है और इसे छीलने में टाइम लगेगा। तो जब तक मैं आलू छीलूंगी तब तक आगे का कोई और काम कर लूँगी। तो इसीलिए मैं बोली कि तुम आलू छील लो और मैं बाकी का आगे का तब तक काम कर लेती हूँ कि जल्दी से बन जाएगा। और अगर हम ब्रेड से रिलेटिव कोई भी चीज़ बनाते हैं ना तो बच्चों को बहुत पसंद आता है क्योंकि बच्चों को ब्रेड खाना बहुत ही पसंद होता है। तो इसीलिए ये काम में जुट गई है क्योंकि आज इन लोगों के पसंद का चीज़ बन रहा है। तो जब तक आलू छिल रहा है ना तब तक मैं आगे का तैयारी कर ले रही हूँ और इसका मैं तड़का लगा ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं डाली हूँ सरसों का तेल और इसमें थोड़ा सा जीरा डालूँगी और उसके बाद ना बारीक कटा हुआ लहसुन डालूँगी। तो लहसुन डालने से ना इस तरीके से काट करके डालने से बहुत ही टेस्टी बनता है। तो जब भी मुझे ना आलू का स्टफिंग तैयार करना रहता है ना तो मैं उसमें बारीक चॉप करके लहसुन डालती हूँ, बहुत ही टेस्टी बनता है। और उसे आप समोसा के लिए बनाएं या आलू पराठा बनाएं, कोई भी चीज़ बनाएं, अगर आप बारीक लहसुन काट करके डालेंगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनता है। और अब हम इसमें हरा मिर्च डाल देंगे और प्याज डाल देंगे और प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर आलू जो है छिल गया है तो इसे हम मैश कर लेते हैं। और मैं यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा आलू बॉयल की हूँ, छोटे छोटे पीसेज का आलू है तो पता भी नहीं चला कि ज़्यादा बॉयल कर ली हूँ। तो कोई बात नहीं, आलू बॉयल कर ली हूँ तो शाम को मैं इसका आलू पराठा भी बना लूँगी। तो अब ना मैं इकट्ठे आलू स्टफिंग को एक ही जगह तैयार कर ले रही हूँ, ऐसे अलग अलग नहीं भूनूंगी। तो स्टफिंग को मैं तैयार करके रख दूंगी और शाम को मैं इसका आलू पराठा बना लूंगी। और अब हम इसमें थोड़ा सा मसाला डालेंगे, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा सा इसमें ब्लैक पेपर डाल देंगे। और इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच आमचूर पाउडर या आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। और मसाले डाल करके ना बिना पानी के हम भूनेंगे इसे क्योंकि हमें स्टफिंग तैयार करना है। तो पानी डाल करके भूनेंगे तो ये गीला हो जाएगा। जब तक मसाले भून रहा है तब तक हम इधर धनिया पत्ता धो लेते हैं क्योंकि हमें धनिया पत्ता का चटनी बनाना है और इसके साथ हमें तीखा चटनी बनाना है। तो इसलिए मैं पहले धनिया पत्ता को धो करके और इसे पीस लूँगी। मसाला भून गया है तो अब हम इसमें आलू डाल देंगे, मैश किया हुआ आलू डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद ना इसे हम गैस से उतार करके कुछ टाइम के लिए इसे हम छोड़ देंगे। और लास्ट में इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी, इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और हरा धनिया पत्ता। और उसके बाद ना हम नीचे उतार करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जब तक हमारा स्टफिंग ठंडा हो रहा है ना तब तक हम धनिया का चटनी बना लेते हैं। और अब हम यहाँ पे लिए हैं ब्रेड, तो आलू स्टफिंग भर करके और पहले हम रेडी कर लेते हैं, उसके बाद से हम सैंडविच बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर इधर हम आलू स्टफिंग भरते जाएंगे और एक एक करके डालते जाएंगे तवा पे ताकि एक साथ ही तैयार हो जाए। तो यहाँ पर मैं आलू स्टफिंग भर रही हूँ ब्रेड में।
अब मैं फटाफट ब्रेड को सेद ले रही हूँ। तो इसमें मैं लगा रही हूँ बटर, बटर घी या तेल आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बटर से सेद रही हूँ। तो अब मैं फटाफट सैंडविच बना लूँगी और उसके बाद मैं गर्मा गर्म ही बच्चों लोगों को दे दूँगी नाश्ता करने के लिए। और इस तरीके का जब भी हम कोई नाश्ता बनाते हैं ना तो बहुत ही जल्दी हो जाता है। ठंड जब ज़्यादा पड़ रहा था ना तो उस टाइम मैं ज़्यादा पराठा बना रही थी, कभी गोभी पराठा, कभी मटर पराठा, कभी आलू पराठा, मतलब कि कुछ न कुछ का पराठा मैं बना रही थी सुबह में। तो ज़्यादा ऑयली ऑयली हो जाता, मैं तो बिना तेल के बना करके खाती थी, बिना तेल के ही सेद देती थी उसे। लेकिन और सभी को पराठा में तेल लगा करके देना पड़ता क्योंकि बच्चे तो बिना तेल के खा नहीं सकते थे। तो बहुत ही पराठा ठंडा में बना हुआ है और अब हम लोग हल्का फुल्का नाश्ता स्टार्ट कर दिए हैं। और ये देखिए, जब मैं किचन में से बाहर गई ना कुछ काम के लिए तब तक मेरी बेटी आ करके सेदना शुरू कर दी है। तो बच्चों को होता है ना जब हम कुछ बनाते हैं ना तो बच्चों को होता है कि कैसे बन रहा है। तो चलिए इन लोगों को नाश्ता दे दे रही हूँ क्योंकि जब सैंडविच ठंडा हो जाएगा ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैं गर्मा गर्म निकाल रही हूँ और इन लोगों को दे दे रही हूँ नाश्ता करने के लिए। तो मेरे हस्बैंड नाश्ता कर लिए हैं और बच्चे अब बाकी हैं करने के लिए और मैं बाकी हूँ। तो बच्चे लोग जब नाश्ता कर लेंगे उसके बाद से मैं पूरा बना लूँगी, उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी। तो चलिए जी, नाश्ता वगैरह तो हो गया, अब हम आगे का अपना काम करते हैं। तो आज न मुझे कुछ एरिया का सफाई करना है। तो इस साइड का सफाई न मैं रोज़ नहीं कर पाती हूँ, तो वही मैं आज का दिन इसे सफाई करूँगी। इसे मैं ना सप्ताह दिन में एक बार साफ़ करती हूँ, तो थोड़ा सा धूल मिट्टी तो जम ही जाता है। गर्मी के मौसम में तो 2-3 दिन के बाद ही सफाई करना पड़ जाता है क्योंकि गर्मी के दिन में ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ता है, ठंड के दिन में थोड़ा बहुत तो काम चल जाता है। तो आज मुझे इस एरिया को साफ़ कर लेना है और आज मुझे अपना डाइनिंग टेबल भी न अच्छे से साफ़ करना है, अच्छे से क्लीन करना है इसे, क्योंकि थोड़ा ये भी ज़्यादा दिन हो गया है क्लीन किए हुए। तो इसका जो क्लॉथ है ना इसे भी हमें निकालना है। तो पहले मैं इस एरिया को साफ़ कर ले रही हूँ, उसके बाद से मैं अपना डाइनिंग टेबल साफ़ करूँगी। और इस फोटो फ्रेम को ना मुझे उस रूम में रखना है, दूसरे वाले रूम में, यहाँ पे नहीं लगाना है। तो चलिए, ये तो काम हो गया, एक सफाई तो हो गया मेरा। अगर एक एक एरिया हम रोज अगर साफ करते हैं ना तो हमारा रूम जो है एकदम बिल्कुल क्लीन रहता है, हमारा घर क्लीन रहेगा। तो मैं इसी तरीके से अपना कोई भी सफाई करती हूँ, कभी एक एरिया का सफाई कर लेती हूँ, कभी एक एरिया का सफाई कर लेती हूँ। लेकिन कुछ सफाई ऐसा होता है ना कि जिसे हमें रोज़ करना होता है, जिसे हम स्किप नहीं कर सकते हैं, रोज़ करना होता है। तो आज मुझे ना इस डाइनिंग टेबल का जो क्लॉथ है उसे मुझे हटाना है, इसे हम निकाल करके धोने के लिए निकाल देंगे। और इसके ऊपर ना हम ट्रांसपेरेंट कवर लगाए हैं तो इससे मेरा काम ना बहुत आसान हो जाता है और बार बार मुझे क्लॉथ धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस कवर के लगाने से ना मुझे बहुत ही फायदा रहता है और मेरा काम बहुत ही इजी हो जाता है। और इस कवर को धोने की जब बिल्कुल हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा सा कॉलिन डाल करके इसे हम साफ़ कर लेते हैं और ये अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो इस क्लॉथ को हम टेबल से हटा देंगे और टेबल के नीचे न जाले लग जाता है क्योंकि जब अगर हम छोड़ देते हैं ना, साफ़ सफाई नहीं करते हैं तो इसके नीचे जाला लग जाता है। तो पहले हम टेबल को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। ठंड काफ़ी था ना तो इसके नीचे मैं घुस करके अंदर से सफाई नहीं कर पाई हूँ। तो सोची कि आज मैं इसका डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ क्योंकि इसे तो बार बार करना नहीं पड़ता है और नीचे जाला वगैरह लग जाता है अगर हम छोड़ देते हैं तो। तो इसे हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो चलिए जी, टेबल का तो सफाई मेरा हो गया, अब मैं इसके ऊपर एक क्लॉथ बिछा देती हूँ। और ये वाला ना मेरा सिंगल बेडशीट है तो इसके ऊपर ना आराम से आ जाएगा, तो मुझे पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अच्छे से आ जाता है इसके ऊपर। तो टेबल के ऊपर मैं इसी को बिछा दे रही हूँ, इस बेडशीट को।
तो मैं इस बेडशीट को अब बिछाती नहीं हूँ, तो मैं सोची कि अपने डाइनिंग टेबल पे यूज कर लेती हूँ। और इसके ऊपर से ना हम ट्रांसपेरेंट कवर लगा देंगे, तो इसके ऊपर कुछ भी अगर गिरता है ना तो हम आराम से इसे साफ़ कर लेते हैं, और नीचे जो क्लॉथ है इसमें बिल्कुल नहीं लगता है। और अब हम ना इसके ऊपर कॉइलिन से साफ़ कर लेते हैं, तो थोड़ा भी अगर पानी वगैरह का भी दाग अगर लगा रहता है ना तो ये आसानी से साफ़ हो जाता है। तो चलिए जी, टेबल का सफाई वगैरह तो हो गया, और अब मैं ट्रे का थोड़ा बहुत सफाई कर ले रही हूँ, और इसके अंदर मैं चम्मच वगैरह रखी हूँ, तो इन सब चीज़ों को भी अच्छे से साफ कर लेती हूँ, और इसे भी मैं टेबल पर लगा देती हूँ। और आज ना मुझे एलईडी को भी साफ करना है, तो जब मैं इसे साफ़ करने गई ना तो इसके पीछे देखी तो बहुत ढेर सारा इसके पीछे धूल मिट्टी जमा हुआ था, तो मैं सोची कि इसे निकाल करके ही साफ़ कर लेती हूँ। ये देखिए इसके पीछे कितना धूल मिट्टी जमा हुआ है, तो ये बंद पड़ा हुआ है, इसे मैं अभी चालू नहीं करवाई हूँ। पहले ये चलता था लेकिन बीच में मैं बंद करवा दी हूँ इसको, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई करने में डिस्टर्ब हो रहा था, बच्चे टीवी ज़्यादा देखने लगे थे, तो इसीलिए ना मैं इसको बंद करवा दी हूँ, और अब जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तब ये चालू होगा। तो इसे मैं अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ, तो जब भी इसके पीछे ज़्यादा धूल मिट्टी जम जाता है ना तो इसे मैं उतार करके साफ़ कर लेती हूँ। तो चलिए जी, इसका भी मैंने क्लीनिंग कर लिया, और अब हम जो क्लॉथ उतारे हैं डाइनिंग टेबल का उसको मैं लॉन्ड्री बास्केट में रख दे रही हूँ, क्योंकि आज इसे नहीं धोना है, दूसरे दिन धोएंगे, तो इसे मैं लॉन्ड्री बास्केट में डाल दे रही हूँ। और अब मेरा लास्ट सफाई बचा है फ्रिज को साफ करना, तो इसे भी मैं साफ़ कर ले रही हूँ, इसके ऊपर का क्लॉथ हटा दे रही हूँ, और क्लॉथ को मैं साफ़ करके फिर मैं बिछा दूँगी दोबारा से। पहले फ्रिज को साफ़ कर ले रही हूँ, उसके बाद से मैं बिछा दूँगी। तो पहले मैं इसे सूखे कपड़े से पहले साफ़ कर लूँगी, उसके बाद से कॉलिन से साफ़ कर लेंगे। तो आज मैंने घर को अच्छे से क्लीन किया है, जो चीज़ मैंने कितने दिनों से नहीं किया था उसे मैं अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर मैं वीडियो का एंड करती हूँ, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।